बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। और मारो राजस्थान में शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल पेपर लीक मामले पर विधानसभा में आज भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने पेपर लीक पर एक बार फिर सवाल उठाए, सरकार से एसआईटी जांच का ब्यौरा मांगा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। पेपर लीक मामला एक बार फिर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा की कार्यवाही में एक बार फिर पेपर लीक मामले को उठाते हुए हनुमान बेनीवाल ने कई सवाल पूछे। विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है, इसका ब्यौरा सरकार दे। सदन में इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो विधानसभा में दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से पेपर लीक मामले पर गठित एसआईटी की जांच का ब्यौरा मांगा और सीबीआई से जांच की मांग की। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। राम राज्य की भाव क्यों बुला रखते हैं कि विचार क्यों बुरे लगते हैं? राम को हटाया, राम के विचार को हटाया, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े भारत के करना चाहते थे। राम के नाम पर सदन में संग्राम, विपक्ष के शोर पर अनीता भदेल का जवाब। विधानसभा में अनीता भदेल के बोलने के बाद विपक्ष को मानो मिर्ची लग गई। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत तो राज्यपाल के अभिभाषण पर स्वागत प्रस्ताव से की थी, लेकिन विपक्ष प्रस्तावक के तौर पर उनके नाम का ऐलान होते ही अपना आपा खोने लगा। सबसे पहले प्रस्ताव रखने के लिए श्रीमती अनीता भदेल। मुझे ध्यान आ गया, माननीय सदस्य अनुमोदन केवल एक ही व्यक्ति करेंगे, मैंने व्यवस्था दे दी है। पर ये गलती हुई कहां से? दो लिख के आए, अरे छप के आए। मैं कह रहा हूं ना, आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपका विपक्ष का नेता खड़ा है श्रीमान। और मैं आज माननीय सदस्य, आप पुराने हैं मेरे से भी, अब मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, यदि बिना अनुमति के आप खड़े हुए तो मुझे कुछ ना कुछ आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद अनीता भदेल ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। आपने अपना जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के कितने वादे आपने पूरे किए हैं, शायद उसको उठा करके देख लेते तो आप ये समझ पाते कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया और कितना जनता को बेवकूफ बनाया। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप जब यहाँ बैठते थे तो आपकी भाषा क्या होती थी, आप वहाँ चले गए तो अब आपकी भाषा क्या हो गई? ये भाषा का जो अंतर है ना, ये जो भाषा का अंतर है वही आपको लेकर के डूबने वाला है। सदन में अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने जैसे ही राम मंदिर के लिए मुबारकबाद दी, एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैं संपूर्ण सदन को, संपूर्ण राजस्थान को, पूरे देश भर को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि कल 500 वर्षों की उस लड़ाई के बाद में वो शुभ दिन आया है, वो महत्वपूर्ण दिन आया है जिसमें सियावर रामचंद्र की। विपक्ष के इस रवैये पर उन्होंने एक बार फिर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा वो भी देखिए। हमारी नींव कहाँ है ये तो देख लो या उसको सुधार लो। अब तो समय आ गया, अब तो जागरण का अवसर आ गया, उसको ठीक कर लो, नहीं तो आप जनता से मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे इस भारत देश से। हाँ, हालांकि बीच बीच में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अनीता भदेल के आरोपों पर आपत्ति जताते नजर आए। अब बैठिए, आप बैठिए, 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 आप बैठिए ना। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुनिए आप। इस प्रकार से सदन आप कैसे चलाना चाहते हैं मेरी समझ से बाहर है। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके माननीय सदस्य जिस प्रकार की भाषा और लैंग्वेज यहाँ इस सदन के अंदर, आप यही पढ़ लीजिए, आपके पीछे क्या लिखा हुआ है यही पढ़ लीजिए, किस विषय पे बात कर रहे हैं अभिभाषण। आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है जो मर्जी बोलेंगे। राम के नाम पर सदन में हल्ला मच रहा था। इस बीच कन्हैया लाल का भी जिक्र हुआ, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं और बढ़ गई। मुद्दा है, मुद्दा इसलिए है क्योंकि एक हिंदू की हत्या होती है तो 5 लाख मुआवजा।
ये इधर जो बोल रहे हैं ना अनिता जी, कोई भी खड़ा नहीं होगा। मुआवजा, ये अंतर है आपकी नीति में, ये आपकी व्यवस्था में अंतर है, और ये आपने अंतर किया इसलिए वहाँ सामने बैठे हैं आप, इसलिए वहाँ सामने बैठे आप, क्योंकि कन्हैयालाल हिंदू था और जयपुर में मरने वाला मुसलमान था। आरोप प्रत्यारोप के बीच अनिता भदेल ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आपका विचार है भारत को तोड़ो, टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के आधार पर, इसलिए आपने राम को हटाया, राम के विचार को हटाया, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े भारत के करना चाहते थे। आपने किया टुकड़े टुकड़े भारत को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपने किया। हाँ, तकलीफ है आपको महोदय, आपका जब नंबर आया तब आप बात करना ना। उनके आरोपों पर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष आपत्ति जताने के लिए सदन में खड़े हुए। राम का नाम लेते ही कुछ सदस्य नीचे सीट से खड़े हो जाते हैं। राम का नाम लेते हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अपनी बात आप कहिए, कोई मना नहीं करता है।